हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप काफी समय से बेबी प्लान कर रहे हैं और थक चुके हैं, आपकी आस टूट चुकी है कि अब आप गर्भधारण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए। कई बार कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसी गलतियां आपके थ्रू की जाती हैं जो कि आप बेबी तो कंसीव कर चुके होते हैं, यानी कि आपका मेल का स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिल चुके होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपकी छोटी मोटी गलतियां उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देती हैं और आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जिससे कि कई बार यूट्रस में आकर बच्चा चिपक जाता है और आपको अर्ली बेसिस में ही मिसकैरेज या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आपको नहीं करनी है जो आपके गर्भ को इफेक्ट करे, बिकॉज कई बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन इन्हीं गलतियों के कारण आपको दिक्कत आती है, आपका गर्भधारण नहीं होता है और आप समझ बैठती हैं कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम है। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बातों के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पे नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप ओव्यूलेशन डेज में रिलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम आपको अपने हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, ऐसे में आपको किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके प्राइवेट एरिया में हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, जो पहले आपके बाहरी प्राइवेट एरिया में होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके अंदर भी जा सकता है और आपके गर्भ धारण करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस दौरान आपको जब आप ओव्यूलेशन डेज में रिलेशन मेंटेन करते हैं, आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं, तो 20th डे के बाद से आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना है। ऐसे में जब आपके अंदर मेल सीमन जाता है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि अर्ली डेज में आपको मिसकैरेज कर सकते हैं या फिर आपको कुछ धक्के लग सकते हैं, जिससे कि अभी तो आपका स्टार्टिंग ही चल रहा है, ठीक है, तो आपका जो चिपका हुआ बच्चा है वो आपके पीरियड के रूप में बाहर आ सकता है। तो रिलेशन मेंटेन इस दौरान आप ना करें, बिकॉज रिलेशन मेंटेन आपको सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन डेज में करना है, उसी दौरान रिलेशन मेंटेन करने से आपका गर्भधारण होता है। तीसरा काम आपको क्या करना है, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि ओव्यूलेशन डेज में आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसके 20वें दिन के बाद से आपको हेयर वॉश नहीं करना है, यानी कि पीरियड के 7वें दिन से आप हेयर वॉश करना बंद कर दें, बिकॉज इस दौरान आपके बॉडी की हीट एक्स्ट्रा बढ़ सकती है या घट सकती है, क्योंकि इस दौरान गर्मियां चल रही हैं, आपके बॉडी की हीट मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर इस दौरान आप अपने हेयर वॉश कर लेती हैं तो बॉडी की जो हीट है वो असंतुलित हो जाती है और आपके इम्प्लांटेशन को बाधित करती है, तो इसी दौरान से आप अपना हेयर वॉश करना बंद कर दें। चौथा काम आपको क्या करना है, कुछ भी गर्म तासीर का सेवन आपको नहीं करना है। इस दौरान आप अदरक, लहसुन, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी, चाय का सेवन आप कम कर दें। आप पपीता हो गया, बैंगन हो गई या सहजन की फलियां, इनका सेवन करना आप बंद कर दें। ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट को लाती हैं, जिससे आपका अर्ली डेज में ही मिसकैरेज हो सकता है। तो इन चार बातों का आप ध्यान रखिए, यकीनन ही आपको बेबी जल्दी से आपके गर्भ में आएगा और आप हमारे साथ गुड न्यूज शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब कल मिलते हैं सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।